हेलो डियर फ्रेंड्स, वंदे मातरम। वेलकम टू अ न्यू लेक्चर ऑफ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इन अवर प्रीवियस लेक्चर हमने क्या किया था, ईएमएफ फाइंड आउट किए थे फ्रॉम दी हेल्प ऑफ नर्न्स इक्वेशन, और वी कैन से सेल पोटेंशियल फाइंड आउट किए थे नॉन स्टैंडर्ड गैल्वेनिक सेल के। अभी वही नर्न्स इक्वेशन की यूज से दोस्तों हम और भी कोई पैरामीटर फाइंड आउट कर सकते हैं, जिसका हमने ऑलरेडी लिस्ट प्रिपेयर किया था एक लेक्चर में। उसमें से अभी दोस्तों हम जानने जा रहे हैं सेल कांस्टेंट, और वी कैन से इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, सॉरी नॉट सेल कांस्टेंट, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। सो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हम नर्न्स इक्वेशन की वजह हेल्प से किस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं, वो पहले हम थ्योरिकल देखेंगे, एंड देन हेल्प ऑफ द थ्योरी हम क्या करेंगे, उसको कैलकुलेट भी करेंगे। बट उससे पहले दोस्तों हमको याद होना चाहिए व्हाट इज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। आपने 11th में पढ़ा था कोई केमिकल रिएक्शन जब इक्विलिब्रियम स्टेज में आएगी, आई मीन टू से रिएक्शन में एक ऐसा टाइम आएगा जब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट एंड द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट शुड बी कॉन्स्टेंट और कॉन्स्टेंट हो जाएंगे। जब भी वो दोनों के कॉन्सेंट्रेशन कॉन्स्टेंट होते हैं तभी दोस्तों उन दोनों का रेशियो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, उसको हमने क्या किया था, उसको हमने बोला था इक्विलिब्रियम कॉन्स्टेंट। तो इक्विलिब्रियम कॉन्स्टेंट यहाँ पर देखेंगे, जैसे हमको मालूम है हमारे फादर की एक खुद की रिएक्शन है जिसको हमने अपने खुद का बना लिया, दैट इज़ डेनियल सेल, और वी कैन से गैल्वेनिक सेल ऑफ जिंक एंड कॉपर। उसी की हेल्प से दोस्तों काम आगे बढ़ाएंगे, डेनियल सेल और वी कैन से गैल्वेनिक सेल ऑफ जिंक एंड कॉपर। तो जिंक और कॉपर का जो गैल्वेनिक सेल है उसकी रिएक्शन क्या थी, जेड एन सॉलिड एट एनोड गिव जेड एन +2 इलेक्ट्रॉन एट द सेम टाइम Cu+2 गिव्स सी यू सॉलिड, दैट इज द रिएक्शन। दोस्तों जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ेगा वही इमेज आपके दिमाग में आनी चाहिए, वही इमेज अभी सपोज करो जो एनोड पे जिंक रोड था वो डीकम्पोज होगा, एट द टाइम पासिस द वेट ऑफ द जिंक रोड विल डिक्रीज, जिंक रोड का वेट डिक्रीज हो रहा था बिकॉज जिंक सॉलिड कन्वर्ट इन टू Zn+2 आयन। सो वी कैन से द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Zn+2 इंक्रीज, अगर Zn सॉलिड अंदर डिक्रीज हो रहा है, डिकम्पोज हो रहा है, देन वी कैन से Zn+2 का कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज होगा। एट द सेम टाइम द वेट ऑफ द कॉपर रॉड इज इंक्रीज बिकॉज Cu+2 आयन फ्रॉम द सॉल्यूशन कन्वर्ट इन टू Cu सॉलिड एंड अटैच टू द कैथोड। सो वी कैन से कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द Cu+2 आयन इज डिक्रीज एट द विद द टाइम, ये होगा। सो एज द टाइम पासिस कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Zn+2 इंक्रीज, वो इंक्रीज होगा इन द सॉल्यूशन, एंड द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द Cu+2 डिक्रीज होगा इन द सॉल्यूशन। यहाँ पे हम दोस्तों सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं, ये काम आगे बढ़ता जाएगा, ये दोनों के कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज और डिक्रीज होते जाएंगे, उसके साथ रिएक्शन होती जाएगी, और बिकॉज ऑफ दैट रिएक्शन इलेक्ट्रॉन पास हो गए एनोड टू कैथोड, एंड बिकॉज ऑफ दैट इलेक्ट्रॉन हमको करंट मिलेगा कैथोड टू एनोड। अगर दोस्तों ये कॉन्सेंट्रेशन अभी जो चेंज हो रहा है, मतलब Zn+2 का इंक्रीज हो रहा है, Cu+2 का डिक्रीज हो रहा है, वो भी कॉन्स्टेंट हो जाए तो सो वी कैन से तो सर रिएक्शन नहीं होगी, इलेक्ट्रॉन एनोड टू कैथोड नहीं जाएंगे, सो करंट कैथोड टू एनोड पास नहीं होगा। सो वी कैन से अगर ये कॉन्सेंट्रेशन ऑफ जिंक एंड Zn+2 एंड Cu+2 अगर वो कॉन्स्टेंट होते हैं, सो वी कैन से इक्विलिब्रियम सेट हो जाएगा इन दैट पर्टिकुलर सेल। अगर एक बार इक्विलिब्रियम सेट हुआ देन दैट डेनियल सेल इज नॉट एबल टू प्रोड्यूस वोल्टेज। सो वी कैन से ये होता रहेगा, बट आफ्टर सम टाइम एक टाइम ऐसा आएगा दैट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बोथ Zn+2 एंड Cu+2, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बोथ Cu+2 एंड Zn+2 ये दोनों क्या हो जाएगी, कॉन्स्टेंट हो जाएगी। एक बार ये दोनों कॉन्स्टेंट हुए इट मीन्स जो टोटल सेल पोटेंशियल हमको मिल रहा था, ईएमएफ मिल रहा था, वो कैसा हो जाएगा, नॉट जीरो हो जाएगा, क्योंकि हम ये कह सकते हैं अगर उन दोनों का कॉन्सेंट्रेशन कॉन्स्टेंट हुआ इट मीन्स इक्विलिब्रियम इज देयर। एट द इक्विलिब्रियम पोजिशन द डेनियल सेल इज नॉट एबल टू रिएक्ट टू प्रोड्यूस वोल्टेज, नॉट एबल टू रिएक्ट टू प्रोड्यूस वोल्टेज, आई मीन इट, इसका मीनिंग वो रिएक्शन नहीं करेगी ऐसा नहीं कह रहे, वहाँ पर रिएक्शन होगी बट अभी रिवर्सिबल डायरेक्शन में, दोनों डायरेक्शन में होगी, ऐसी रिएक्शन नहीं होगी जहाँ से एनोड टू कैथोड जाए और हमको इलेक्ट्रॉन मिले एनोड टू कैथोड। इट मीन्स अगर फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन एनोड टू कैथोड नहीं मिल रहा है तो वहाँ पे हमको वोल्टेज ऑब्वियसली नहीं मिलेगा, सो ई सेल इज जीरो। अगर दोस्तों हम इक्विलिब्रियम कॉन्स्टेंट की बात करें
तो क्या होगा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ जेड एन प्लस टू ऑब्लिक सी यू प्लस टू, अगर ये इक्विलिब्रियम में हुआ देन ये दोनों का रेशियो क्या हो जाएगा, दैट रेशियो इज नॉन एज अ के सी, के सी इज नथिंग बट दी इक्विलिब्रियम कॉन्स्टेंट, आई रिपीट के सी इज नथिंग बट दी इक्विलिब्रियम कॉन्स्टेंट, एंड एट दी इक्विलिब्रियम स्टेट ई सेल इज जीरो, जैसे हमने दोस्तों यहाँ पे बता दिया। तो जो ये इक्वेशन आपको दिख रहा है, इन दिस पर्टिकुलर इक्वेशन हम क्या करेंगे, वैल्यू ऑफ ई सेल उसको हम वहाँ पे जीरो पुट कर देते हैं और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ जेड एन प्लस टू ऑब्लिक सी यू प्लस टू उसकी जगह पे क्या लिखते हैं, कैसे। सो अवर इक्वेशन शुड बी लाइक दिस, देन वहाँ पे दोस्तों ये होगा पॉइंट नॉट, और वी कैन से नॉट वोल्ट, जीरो वोल्ट इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस पॉइंट नॉट फाइव नाइन बाय एन, एन इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एन टू लॉग के सी, ये होगा। अभी दोस्तों यहाँ पे हम क्या करेंगे, अभी यहाँ पे देखो सॉल्यूशन क्या होगा, ये ई सेल को अगर मैं उसकी साइड चेंज करूँ, अगर ई सेल यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे पॉजिटिव फॉर्म में यहाँ पे आने के साथ नेगेटिव होगा, सो क्या बनेगा, हमको क्या मिलेगा, हमको मिलेगा माइनस पॉइंट नॉट फाइव नाइन बाई एन इंटू लॉग के सी इज इक्वल टू माइनस ई नॉट सेल, ठीक है, कुछ इस तरह से फॉर्मूला मिलेगा। अभी दोस्तों यहाँ पे हम क्या करेंगे, दोनों साइड के माइनस माइनस कैंसिल कर सकते हैं, सो पॉइंट नॉट फाइव नाइन अपॉन एन इंटू लॉग कैसी इज इक्वल टू ई नॉट सेल। अभी दोस्तों अगर यहाँ पे हम लॉग कैसी फाइंड आउट करना चाहें, क्योंकि वी वांट टू फाइंड आउट वैल्यू ऑफ कैसी, सो लॉग कैसी इज इक्वल टू एन यहाँ पे क्या जाएगा ऊपर, पॉइंट नॉट फाइव नाइन क्या आएगा नीचे, सो लॉग कैसी इज इक्वल टू ई नॉट सेल इन टू एन डिवाइडेड बाई पॉइंट नॉट फाइव नाइन। सो ये फॉर्मूला टेक्स्ट बुक में दिया गया है जो आपको याद रखना है एज पर एज टेक्स्ट बुक। बट दोस्तों यहाँ पे और एक चीज़ हमको दिमाग में होनी चाहिए जो थोड़ी एक्स्ट्रा, यू कैन सी ये पॉइंट नॉट फाइव नाइन वैल्यू कब आई थी, जब टू पॉइंट थ्री नॉट थ्री आर इन टू टी अपॉन एफ, जहाँ पे टेम्परेचर इज इक्वल टू 298 केल्विन था, क्लियर। जब दोस्तों टेम्परेचर 298 केल्विन था तब हमको पॉइंट नॉट फाइव नाइन मिलती थी। सपोज कहीं किसी एमसीक्यू में या किसी सम में आपको कंफ्यूज करने के लिए ये लोग क्या कर रहे हैं, द वैल्यू ऑफ टेम्परेचर को चेंज कर रहे हैं। तो दोस्तों हमारा इक्वेशन ये होना चाहिए, लॉग के सी इज इक्वल टू ई नॉट सेल इन टू एन डिवाइडेड बाई पॉइंट नॉट फाइव नाइन, पॉइंट नॉट फाइव नाइन नहीं लिखना, यहाँ पर लिखना है 2.303 आर इन टू डी एफ, एफ को हम क्या लिख सकते हैं, ऊपर लिख सकते हैं दोस्तों 2.303 आर टी अपॉन एफ, उसको मैंने ऊपर लिख दिया, और ये फॉर्मूला से भी दोस्तों हमारा काम हो सकता है अगर टेम्परेचर 298 केल्विन ना हो। अभी एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं, ये पूरा फॉर्मूला हर बार लोग कैसे लिखे फिर उसका एंटी लॉग लिखे, इससे बेटर है अगर यही फॉर्मूला यूज़ करना है तो आपको जस्ट इतना लिख दो, के सी इज इक्वल टू एंटी लॉग ऑफ क्या है, ई नॉट सेल इंटू एन इंटू एफ डिवाइडेड बाय 2.303 आर टी, राइट। अगर ये फॉर्मूला है जहाँ पे टेम्परेचर टी इज इक्वल टू 298 केल्विन है, तो दोस्तों हम उसके लिए ये लिख सकते हैं, के सी इज इक्वल टू एंटी लॉग ऑफ ई नॉट सेल इन टू एन डिवाइडेड बाई पॉइंट नॉट फाइव नाइन, डायरेक्ट दोस्तों के सी इज इक्वल टू एंटी लॉग ई नॉट सेल इन टू एन डिवाइडेड बाई पॉइंट नॉट फाइव नाइन, आपको डायरेक्टली इक्विलिब्रियम कॉन्स्टेंट कैसे मिल सकता है। अभी टेक्स्ट बुक ने थोड़ा मिक्सअप किया है यहाँ पे एनसीईआरटी वालों ने, डेनियल सेल जो जिंक और कॉपर का हम अभी पढ़ रहे थे उसका एग्जाम्पल थियरी के साथ ही ले लिया है, एक्चुअल में उसको एज ए सम एज ए एमसीक्यू ले सकते हैं, सो हम थोड़ा अलग लेते हैं। बट यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसका स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल स्टैंडर्ड ईएमएफ 1.1 वोल्ट है, दैट वी नो, एंड एन इज इक्वल टू टू दैट ऑल्सो वी नो पर्टिकुलर फॉर दिस रिएक्शन। सो दोस्तों यहाँ पे थोड़ा टाइम बचाते हुए हम क्या कर सकते हैं, अगर फॉर डेनियल कॉस्ट ऑफ जिंक एंड कॉपर आपको कैसे फाइंड आउट करना है, देन अगर ये फॉर्मूला यूज करें, वी कैन राइट इक्विलिब्रियम कॉन्स्टेंट के सी इज इक्वल टू एंटी लॉग ऑफ ई नॉट सेल इन टू एन डिवाइडेड बाई पॉइंट नॉट फाइव नाइन। आपको और कुछ करना ही नहीं है दोस्तों, यहाँ पर डायरेक्टली क्या कर देना है, यहाँ पर डायरेक्टली आपको वैल्यू रख देनी है। सो एंटी लॉग ऑफ ई नॉट सेल, ई नॉट सेल कितना है 1.1 वोल्ट इन टू एन इज इक्वल टू 2.059। फिर दोस्तों आपको यहाँ पर फिर से एंटी लॉग ऑफ इसका समेशन करो और जो वैल्यू आया उसका एंटी लॉग फाइंड आउट कर दो।
अभी एंटी लॉग फाइंड आउट करना आई होप सबको आता होगा। अगर नहीं मालूम है कैसे एंटी लॉग और लॉग फाइंड आउट कर सकते हैं तो दोस्तों डाउट सॉल्यूशन लेक्चर में कंपलसरी ज्वाइन होना है और सीखना है। जितना हमारे लिए इम्पोर्टेंट है उतना मैं लॉग एंटी लॉग आपको बता दूंगा अगर नहीं आता है तो। अभी दोस्तों यही फॉर्मूला यूज़ करके हम इक्विलिब्रियम कॉन्स्टेंट कैसे फाइंड आउट करने जा रहे हैं। कैलकुलेट द इक्विलिब्रियम कॉन्स्टेंट फॉर द रिएक्शन, कौन सी रिएक्शन के लिए? सी यू सॉलिड प्लस ट्वाइस ए जी प्लस गिव सी यू प्लस टू प्लस ट्वाइस ए जी। और अच्छा अच्छी चीज ये है यहाँ पे इनोट सेल दे रखा, अगर नहीं दिया होता तो अभी हम फाइंड आउट कर लेते। सी यू सॉलिड गिव्स सी यू प्लस टू इलेक्ट्रॉन एट एनोड, ट्वाइस ए जी प्लस प्लस टू इलेक्ट्रॉन गिव्स ट्वाइस ए जी एट कैथोड, दैट इज द रिएक्शन। सो वी कैन राइट एन इज इक्वल टू टू ओवर हियर, एन इज इक्वल टू टू, इनोड सेल इज इक्वल टू 0.46 वोल्ट। सो व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर केसी, केसी के लिए हमने क्या फॉर्मूला डिराइव किया है? फॉर्मूला फॉर द केसी दोस्तों हमने डिराइव किया है केसी इज इक्वल टू एंटी लॉग ऑफ, यहाँ पे जगह बचाने के लिए मैं यहाँ पे फॉर्मूला नहीं लिख रहा हूँ, केसी इज इक्वल टू एंटी लॉग ऑफ। सर यहाँ पे 298 केल्विन नहीं है तो हमको क्या करना है? जब भी दोस्तों 298 केल्विन दिया हो या ना दिया गया हो, अगर 298 केल्विन लिख के रखा है देन यू कैन यूज दिस फॉर्मूला। अगर कोई भी टेम्परेचर का वहाँ पे टेम्परेचर नाम का कोई इन्फॉर्मेशन है ही नहीं तो अभी आप 298 केल्विन लेके कैलकुलेट कर सकते हो। और अगर अलग से कोई ऐसा टेम्परेचर दिया गया है जो 298 केल्विन नहीं है तभी दोस्तों हम ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे। यहाँ पे दोस्तों कोई टेम्परेचर की बात नहीं है, सो वी अज्यूम दैट टेम्परेचर इज 298 केल्विन। सो और फॉर्मूला इज एंटी लॉग ऑफ इनोड सेल इंटू एन डिवाइडेड बाई 0.059, इनोड सेल इज इक्वल टू 0.46, इनोड सेल इज इक्वल टू 0.46 इंटू एन, एन इज इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाई, किससे हमको डिवाइड करना है? डिवाइडेड बाई 0.059। सो 0.46 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 0.59 इज इक्वल टू 15.6, एंटी लॉग ऑफ 15.6। बस यहाँ पे दोस्तों ये 15.6 एग्जैक्ट 15.6 नहीं है, एक्चुअली 15.58 समथिंग है, उसको मैंने 6 कर दिया है। तो इससे हमको इजी क्या पड़ेगा, एंटी लॉग फाइंड आउट करना इजी पड़ेगा। 15 पॉइंट ये प्लस वैल्यू, उसको मैंने डायरेक्टली 10 का पावर दे दिया, 10^15 पावर। और 0.6 का एंटी लॉग आपको जो मिलेगा, जो 3 या 4 डिजिट मिलते हैं उसमें से फर्स्ट डिजिट के बाद हमने पॉइंट रख दिया है। सो केसी इज इक्वल टू हियर, केसी इज इक्वल टू 3.92 इंटू 10^15। ये दोस्तों हमारा टैक्स का एग्जांपल है, एग्जांपल नंबर 3.2। अभी एक एडिशनल एग्जांपल हमने दे रखा है जो हमको हेल्प एक दूसरे की हेल्प से कैलकुलेट करना है। कैलकुलेट कैसी फॉर गिवन गैल्वेनिक सेल, कौन सा सेल है? मैग्नीशियम ऑब्लिक मैग्नीशियम प्लस टू सॉल्ट ब्रिज ZM प्लस टू ऑब्लिक ZN। सो फर्स्ट ऑफ ऑल दोस्तों हमको यहाँ पे दो चीज़ चाहिए, फर्स्ट इज इनोड सेल चाहिए एंड सेकंड थिंग इज N चाहिए। N बहुत क्लियर पता चल रहा है, N इज इक्वल टू 2 ओवर हियर, Mg गिव्स Mg प्लस 2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, एट द सेम टाइम ZN प्लस 2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स ZN, सो N इज इक्वल टू 2। अभी इनोड सेल के लिए इन दोनों के स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल याद करो, ये ऐसे है रूटीन में अभी याद रहेगी, मैग्नीशियम का -2.36 और 37 यू कैन से, और जिंक का क्या रहेगा? -0.76। सो यहाँ पे दोस्तों हम करेंगे इनोड सेल इज इक्वल टू इनोड रिडक्शन कैथोड, जिंक का कितना है? -0.76 माइनस, इसका कितना रहेगा? -2.36 और 37 दोनों लिख सकते हैं। सो अगर यहाँ पे दोस्तों आगे सॉल्यूशन करते हैं माइनस माइनस प्लस, सो वी कैन राइट -0.76 प्लस 2.36 इज इक्वल टू 1.6 वोल्ट। यहाँ पे क्या मिलेगा हमको? 1.6 वोल्ट मिलेगा। अभी दोस्तों आगे बढ़ते हैं, 1.6 ही है ना, वेरीफाई कर लेना, अगर 1.6 नहीं है तो फिर जो भी वैल्यू आती है वो वैल्यू आपको लिखनी है। इसके बाद दोस्तों हम क्या करेंगे, इसके बाद हमारे पास फॉर्मूला है केसी इज इक्वल टू एंटी लॉग ऑफ इनोड सेल इंटू एन डिवाइडेड बाई 0.059। क्यों मैंने डायरेक्टली 0.059 ले लिया? बिकॉज वहाँ पे टेम्परेचर की कोई बात नहीं, और अगर टेम्परेचर की कोई बात ना हो तो उसको 298 केल्विन आप अज्यूम कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अभी एंटी लॉग ऑफ इनोड सेल, इनोड सेल इज इक्वल टू 1.6, एन इज इक्वल टू 2,
0.059। अभी इसका सॉल्यूशन करो और उसके बाद जो भी एंटी लॉग आए वो एंटी लॉग फाइंड आउट करके यहाँ पे केसी फिल कर दो। यू हैव टू कंप्लीट दिस गिवन सम, ये सम आपको कंप्लीट करना है दोस्तों। ये बात हुई इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के साथ दोस्तों गिब्स फ्री एनर्जी भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं। और ज़्यादातर केस में अगर बोर्ड एग्जाम की बात करें तो ये दोनों चीज़ एक ही सम में एक साथ पूछी जाती है। फॉर दिस पर्टिकुलर रिएक्शन फाइंड आउट द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एंड फाइंड आउट द गिब्स फ्री एनर्जी, दोनों चीज़ एक साथ में पूछी जाती है। सो दोस्तों आगे पहले हम बात करेंगे गिब्स फ्री एनर्जी की। ओके फ्रेंड्स, आफ्टर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट नाउ वी आर गोइंग टू लर्न गिब्स फ्री एनर्जी विद द हेल्प ऑफ सेल्फ पोटेंशियल। सेल्फ पोटेंशियल की हेल्प से गिब्स फ्री एनर्जी किस तरह से हो सकती है वो हम देखने जा रहे हैं। बट बिफोर दैट यू हैव टू रिमेंबर सम टॉपिक्स फ्रॉम योर 11th साइंस, फिजिक्स के भी और केमिस्ट्री में भी मे बी आपने पढ़ा होगा। सो आपने ये पढ़ा होगा W इलेक्ट्रिकल, और वी कैन से इलेक्ट्रिकल वर्क डन इन अ सेकंड, इलेक्ट्रिकल वर्क डन इन अ सेकंड इज इक्वल टू इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल, इज इक्वल टू इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल EMF पर सेल इन टू मल्टीप्लाई बाई टोटल चार्ज पास्ट, एन इन टू एफ इज इक्वल टू नथिंग बट दी टोटल चार्ज विच इज पास्ट इन अ सेल। सो ये होगा दोस्तों W इलेक्ट्रिकल। बट हमको यहाँ पे W इलेक्ट्रिकल की कोई जरूरत नहीं है, बट W इलेक्ट्रिकल से जो फॉर्मूला मिला हमको E इंटू एन एफ और एन एफ इंटू ई, वो हमारे लिए यूजफुल होगा। हमको क्या फाइंड आउट करना है, हमको तो गिब्स फ्री एनर्जी चाहिए। यू कैन सी इफ यू वांट टू ऑब्टेन मैक्सिमम वर्क फ्रॉम अ गैल्वेनिक सेल, किसी भी गैल्वेनिक सेल की वजह से मैक्सिमम वर्क कितना मिलता है वो अगर हमको जानना है, देन वी हैव टू इम्प्लांट रिवर्सिबल एनर्जी फैक्टर्स। यू कैन सी देन चार्ज हैज टू बी पास्ड रिवर्सिबली, रिवर्सिबल पास करना पड़ेगा। अगर रिवर्सिबल वर्क होता है देन रिवर्सिबल वर्क W रिवर्सिबल डन बाय गैल्वेनिक सेल इज इक्वल टू डिक्रीज इन इट्स गिब्स एनर्जी। अगर दोस्तों इस तरह का अगर हम पैरामीटर सेट करते हैं तो जितना रिवर्सिबल वर्क हो रहा है, एक्चुअली रिवर्सिबल वर्क कितना होगा, जितना गिब्स फ्री एनर्जी में डिक्रीज मिला होगा। सो वी कैन राइट यहाँ पे दोस्तों लिख सकते हैं डेल्टा जी, और वी कैन से माइनस डेल्टा जी डिक्रीज हो रहा है इज इक्वल टू डब्ल्यू मैक्सिमम माइनस, यहाँ पे मल्टीप्लाई करने के बजाय में अगर यहाँ पे कर दू तो वी कैन राइट डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस डब्ल्यू मैक्सिमम, और कुछ नहीं करना है। यहाँ पे दोस्तों जो W का फॉर्मूला है एन एफ इन टू ई वो लिख देना है डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस, सो माइनस ओवर हियर W इज इक्वल टू एन एफ इन टू ई टोटल चार्ज पास इन टू EMF, सो डेल्टा जी इज इक्वल टू और डेल्टा जी ऑफ द रिएक्शन इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई सेल इन विच एन, एन क्या है टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अगर फैराडे लैंग्वेज में बात करें विच वी आर गोइंग टू लर्न इन इलेक्ट्रोलाइटिक पोर्शन 12th में यही चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। एक्चुअली नंबर ऑफ एन इज नंबर ऑफ मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नथिंग बट दी फैराडे, जो हम दोस्तों आगे पढ़ने वाले हैं वो एन वैल्यू पे डिपेंड करता है डेल्टा जी। डेल्टा जी का रिलेशन नंबर ऑफ एन इलेक्ट्रॉन कितने डोनेट और कितने एक्सेप्ट हो रहे हैं मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन उस पर डिपेंडेड है। सो डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई सेल, सो इफ इज EMF इज EMF एंड एन एफ इज अमाउंट ऑफ चार्ज, एन एफ इज अमाउंट ऑफ चार्ज एंड दी EMF, नेगेटिव साइन यहां से थी वही हमने आगे ली। अभी दोस्तों एक चीज दिमाग में रखना है कायदे से, ई सेल इज इंटेंसिव प्रॉपर्टी, एक बार रिएक्शन सेट हो चुकी है टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एनोड से कितने जा रहे हैं कैथोड से कितने आ रहे हैं या फिर कैथोड पे कितने एक्सेप्ट हो रहे हैं, एक बार वो सेट हो गया फिर आप टिपिकल मैथमेटिकल स्टेप के लिए उसको मल्टीप्लाई करते हो या डिवाइड करते हो, ई सेल में कोई डिफरेंस नहीं होगा। बट यस अगर हम बात करें डेल्टा जी की गिब्स फ्री एनर्जी की, गिब्स फ्री एनर्जी इज एक्सटेंसिव थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी एंड द वैल्यू डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ एन, ये नंबर ऑफ एन पे डिपेंड करती है किस तरह से। यू कैन सी Zn सॉलिड प्लस Cu प्लस 2 गिव्स Zn प्लस 2 प्लस Cu। अगर दोस्तों ठीक से यहाँ पे देखें तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे आपको ऐसे ही पता चल जाएगा, मेरे को यहाँ पे एनोड और कैथोड की हाफ सेल रिएक्शन लिखने की जरूरत नहीं है। यू कैन सी एट एनोड Zn गिव्स Zn प्लस 2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, एट कैथोड
Cu plus 2 electron gives Cu solid. So, N is equal to 2 over here. So, I can write delta G is equal to minus 2 F into E cell. Here F is equal to Faraday. 1 Faraday is equal to 96487 कूलम. अगर आप उसको राउंड फिगर करना चाहो तो 96500 लिख सकते हो. सो यहाँ पे लिखते हैं, अगर ये एन चेंज करते हैं श्योरली डेल्टा जी की वैल्यू चेंज होगी. यू कैन सी, अगर दोस्तों मैं ये रिएक्शन को, इफ वी मल्टीप्लाई दिस रिएक्शन इनटू टू, टू से मल्टीप्लाई करते हैं, टू जेड एन प्लस टू गिव्स, सॉरी टू जेड एन सॉलिड गिव्स टू जेड एन प्लस टू प्लस फोर इलेक्ट्रॉन एट कैथोड, ट्वाइस ऑफ Cu प्लस टू एक्सेप्ट फोर इलेक्ट्रॉन एंड गिव्स ट्वाइस Cu सॉलिड. सो n इज इक्वल टू 4, तो दोस्तों यहाँ पे 4 लिखना पड़ेगा, वैल्यू डायरेक्ट चेंज हो जाएगी. सो डेल्टा जी इज रिलेटेड टू n, क्लियर. अभी दोस्तों आगे, ज्यादातर केस में ये वैल्यू ई सेल की और डेल्टा जी की फाइंड आउट करो, ऐसा कोई क्वेश्चन आने वाला है ही नहीं. तो सर क्यों पढ़ा, इतना ही करना है. अगर इसकी स्टैंडर्ड कंडीशन हो तो आएगा, इजीली वो एक्सेप्ट करना है और कुछ नहीं. अगर यहाँ पे होगा ई सेल की जगह पे ई नॉट सेल और डेल्टा जी की जगह डेल्टा नॉट जी, तो क्या होगा, वी कैन सी डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई नॉट सेल. दोस्तों ये इक्वेशन से हम बहुत सारे सम कैलकुलेट करने वाले हैं. If the concentration of all the reacting species, I repeat, if the concentration of all the reactive species is unity, then E cell is equal to E naught cell. I repeat, if the concentration of all reactive species, anode cathode सभी जगह पे अगर unit concentration मिलेगा, then we can write E cell as a E naught cell. And delta G is equal to delta G naught. So delta G naught is equal to minus NF E naught cell. अभी एक इक्वेशन दोस्तों यहाँ पे मैंने लिखा है जो पहले से आप जानते हो, यू अवेयर ऑफ दिस रिएक्शन डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू माइनस आर टी एल एन के, हियर के इज इक्वल टू इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, और एल एन की जगह पे दोस्तों अगर आप लॉग लिखना चाहो तो एन डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू माइनस 2.303 आर टी लॉग के. दोस्तों अगर आप ये इक्वेशन का यूज करो, डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस 2.303 आर टी लॉग के, और ये इक्वेशन का यूज करो डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई सेल, तो अल्टीमेटली आप यहाँ पे अगर दोनों डेल्टा जी नॉट की वैल्यू को कंपेयर करते हो तो आपको इक्वेशन मिलेगा, इक्वेशन फॉर दी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट केसी, लॉग केसी इज इक्वल टू ई नॉट सेल इनटू एन डिवाइडेड बाय 0.59, और जो भी आपको टेम्परेचर या प्रेशर दिया गया है उसके अकॉर्डिंग वैल्यू हो सकती है. ओके, वो यहाँ से अलग से डिराइव करने की कोई जरूरत नहीं है, हमने ऑलरेडी आगे डिराइव कर रखा है. अगर कोई पूछता है तो आप कह सकते हो, अगर बोथ डेल्टा जी नॉट वैल्यू इज कंपेयर्ड देन वी विल गेट द इक्वेशन फॉर लॉग केसी और केसी, क्लियर, वो फाइंड आउट कर सकते हैं. अभी दोस्तों यहाँ पे एक इक्वेशन हमको देखना है फ्रॉम द टेक्स्ट बुक, और नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या करेंगे, डेल्टा जी एंड केसी दोनों के बहुत सारे सम कैलकुलेट करेंगे. बट फॉर दिस लेक्चर हमको अभी यहाँ पे क्या फाइंड आउट करना है, डेल्टा जी फाइंड आउट करना है. डेल्टा जी के लिए क्या फॉर्मूला है, डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई नॉट सेल. सो एफ इज कांस्टेंट वैल्यू, ई नॉट सेल हमको फाइंड आउट करना है, एन हमको फाइंड आउट करना है, मल्टीप्लाई करना है, योर आंसर इज देयर. फॉर द सेल इन विच रिएक्शन इज जेड एन सॉलिड प्लस यू प्लस टू गिव्स जेड एन प्लस टू प्लस सी यू सॉलिड, उसके लिए आपको क्या फाइंड आउट करना है, डेल्टा जी नॉट फाइंड आउट करना है. ये सेल के लिए दोस्तों ये तो भी हमको आंख बंद करके भी याद आ जाएगा, ई नॉट सेल इज इक्वल टू 1.1 वोल्ट. यहाँ पे मेरे को अलग से ई नॉट सेल कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये तो अपना अपने पापा का ही रिएक्शन है, घर का है. अभी ई नॉट सेल फॉर दिस कॉपर एंड जिंक गैल्वेनिक सेल स्टैंडर्ड गैल्वेनिक सेल इज 1.1 वोल्ट. ओके, व्हाट इज वैल्यू ऑफ एन, जेड एन गिव्स जेड एन प्लस टू प्लस टू इलेक्ट्रॉन सी यू प्लस टू इलेक्ट्रॉन गिव्स सी यू सॉलिड. सो वी कैन राइट एन इज इक्वल टू टू ओवर हियर. सो सिंपली अवर फॉर्मूला डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई नॉट सेल, एन इज इक्वल टू टू, एन माइनस तो यहाँ पे रहेगा, एन इज इक्वल टू टू, एफ इज इक्वल टू 96487 एंड ई सेल इज इक्वल टू, क्या होगा ई सेल दोस्तों यहाँ पे, ई सेल इज इक्वल टू 1.1. अगर कैलकुलेट करोगे देन यू विल गेट माइनस 21271.4 जूल पर मोल.
डेल्टा जी गिव्स फ्री एनर्जी, तो जूल में या फिर किलो जूल में आती है, जूल पर मोल। दोस्तों यहाँ पे एक तो नेगेटिव सिंबल मिलता है, इट इंडिकेट्स, हमको मालूम है फॉर दिस स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, आई रिपीट, फॉर दी स्पॉन्टेनियस रिएक्शन डेल्टा जी कंपल्सरी जीरो होना चाहिए, सॉरी कंपल्सरी नेगेटिव होनी चाहिए। सो डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू -21227.1.4 जूल पर मोल। अगर कहीं आपको किलो जूल में ये वैल्यू चाहिए, देन इसको डिवाइड कर दो 1000 से या फिर मल्टीप्लाई विथ 10^-3, सो 212.271 किलो जूल पर मोल। ये दोस्तों किलो जूल में भी होगी, अभी आपको कैलोरी में चाहिए, किलो कैलोरी में चाहिए, कोई भी यूनिट में चाहिए, यू आर एबल टू चेंज दैट यूनिट। ओके, तो ये तो दोस्तों आपको मालूम ही है। अभी आज के दिन में हमने एक साथ दो कंसेप्ट पढ़े, फर्स्ट इज हाउ टू कैलकुलेट इक्विलिब्रियम कॉन्स्टेंट एंड द सेकेंड वन इज हाउ टू कैलकुलेट गिब्स फ्री एनर्जी। दोनों की थियोरिकल एग्जाम में पूछने की पॉसिबिलिटी बहुत ही कम है। द पॉसिबिलिटीज फॉर एग्जाम्पल इक्विलिब्रियम कॉन्स्टेंट कैसे फाइंड आउट करो, या फिर डेल्टा नॉट जी फाइंड आउट करो, या फिर दोनों, एग्जाम्पल आने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा है दोस्तों। फिर भी फॉर एनसीईआरटी एग्जाम, फॉर बोर्ड एग्जाम, आपको ये कंसेप्ट भी याद रखना है एज वेल एज दोनों फॉर्मूला भी याद रखना है। ओके फ्रेंड्स, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, ज़्यादा सम वहाँ पे कैलकुलेट करेंगे। टिल देन घर पे रहिए, सेफ रहिए, पढ़ते रहिए।